दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बीटेक। और आज हम बात करने जा रहे हैं हुआवे के प्रोसेसर के बारे में जो है ग्रीन का। दोस्तों जो आप सब लोग जानते होंगे कि इंडिया में लगभग सभी स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक का प्रोसेसर आता है, लेकिन इंडिया में ये मिथ है कि जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है वो ही सबसे अच्छा प्रोसेसर है। हाँ लगभग सभी प्रोसेसर उनके अच्छे हैं, लेकिन इंडिया में यह मिथ है कि जो मीडियाटेक के प्रोसेसर है वो ख़राब होते हैं। जो पहले प्रोसेसर थे मीडियाटेक के वो लगभग से अच्छे नहीं थे, लेकिन जो अब उनकी सीरीज़ है ये पी सीरीज़ उसके सारे प्रोसेसर लगभग अच्छे आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं P60 जो कि रियलमी के फ़ोन में आया है, और P22 जो कि शाओमी के फ़ोन में आया है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि हुआवे ही क्यों सिर्फ स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक का प्रोसेसर ना यूज़ करके अपना ग्रीन का प्रोसेसर यूज़ करता है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हुआवे हमेशा अपने ग्रीन प्रोसेसर और अपने कैमरे के लिए बहुत माना जाता है। दोस्तों हुआवे अपना प्रोसेसर इसलिए बनाता है ताकि वो उस प्रोसेसर से बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल सके जो कि स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक उसको नहीं दे सकता, इसलिए वो इस प्रोसेसर को यूज़ करते हैं। दोस्तों मैक्सिमम जैसे कि आप देखते हो आईफोन भी अपना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर खुद ही बनाता है ताकि वो बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल सकें। दोस्तों कोई भी स्मार्टफोन कंपनी चाहती है कि उनका फ़ोन बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल सके, इसलिए वो अपना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाती है जैसे कि एप्पल। और इसी रास्ते पर फॉलो करते हुए ग्रीन का प्रोसेसर बनाती है हुआवे ताकि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल सके। और AI का यूज़ भी करती है बहुत अच्छे रैंक से, जिससे कि अच्छे से कोई फ़ोटोज़ वगैरह आते हो और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है। गेमिंग परफॉर्मेंस जैसे कि ऑनर प्ले की बहुत ही अच्छी थी जो कि हुआवे के अंडर आता है, और ग्रीन का प्रोसेसर उसमें भी यूज़ होता है। सो दोस्तों प्रोसेसर में हर बार डिफरेंस आता है, जैसे कि बजट रेंज का प्रोसेसर कुछ थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस देता है, मिड रेंज का थोड़ी अच्छी, और जो फ्लैगशिप प्रोसेसर है वो बहुत अच्छी। जो कि आप सब जानते हैं कि हुआवे के प्रोसेसर लगभग सभी ही अच्छे हुए अभी तक, लेकिन उन्होंने ये एक रिस्क लिया है। अगर ये रिस्क अच्छा रहा तो हुआवे बहुत ही अच्छी रंग से ग्रो कर सकती है। अगर उनका रिस्क अभी तक तो अच्छा ही रहा है, अगर खुदा ना खास्ता कभी रॉन्ग हो जाए तो बुरी तरह से कंपनी फ्लॉप हो सकती है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहे मेरा चैनल बीटेक, आपके लिए ऐसी ही वीडियोस डेली लेकर आता रहूँगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।